हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कौन मोहन? मोहन तेरा नाम है, यहाँ क्या कर रहा है? चल नीचे चल, चल ये धुले हुए कपड़े पहन ले। क्या ये बिना शर्ट के बनियान में घूम रहा है? खड़ो, खड़ा हो ना, खड़ो, हाथ ऊपर कर, ये ऐसे बंद कर, कैसे बंद किया? अभी इसको सीधा लगा कर बता मुझे, यहां से लगा कर, आजा चल, आजा आजा, देख देख ना कितना अच्छा दिख रहा है। घर वापसी कब होगी आज? अरे जाने तो दो पहले, वैसे तुम बोलती हो तो नहीं जाता हूँ आज। नितिन को बोल दूंगा कि शहर में एक भी क्राइम मत होने देना। तुम सीधे मुंह बात नहीं कर सकते क्या मुझसे? शुरुआत किसने की थी? अच्छा ठीक है, आज शाम को सिद्धार्थ आ रहा है। क्यों? क्यों का क्या मतलब है? अपनी बहन से मिलने नहीं आ सकता वो, ये सिर्फ तुम्हारे रिश्तेदार अलाउड है इस घर में। अरे मेरे रिश्तेदार आते तो कुछ ना कुछ लेकर आते, लेकिन तुम्हारा भाई जब भी आता है कुछ ना कुछ लेकर ही चले जाता है। लेकर जाने के लिए क्या है तुम्हारे पास? है ना? क्या? मेरा सुख और चैन। अच्छा सुनो। हाँ। वो IVF और अडॉप्शन वाली बात सिद्धार्थ को नहीं पता, तो तुम थोड़ा संभाल लेना उसके सामने, कुछ बोलना मत प्लीज। रस्तुगी जी क्या कर रहे हैं आप? देख के चलिए, चली जाइए। अरे सॉरी सर, वो सिग्नेचर करने थे। रस्तुगी जी आज क्या हो गया, सुबह सुबह ताल पे बेताल नाच रहे हो? सर मेरा साला है ना जा रहा है। लो, इनका जा रहा है, हमारा आ रहा है। क्या बात है, बड़ा खेद हुआ जान के। छोटू चाय, तेरी चाय की टपरी पे अगर गैस खत्म हो जाए तो सारा सामान लाकर राजीव सर के सर पे चाय बनाना, आज इनका तापमान बहुत गर्म है। गैस तो सच में खत्म होने को है साहब, क्या करूँ? भाई मजाक कर रहा हूँ यार, तू जा। जी सर। आइए सर, आपका मैं मूड चेयर करता हूँ। आप एक एक करके क्वेश्चन पूछे प्लीज। कमलेश तू इतने सालों से मेरे साथ है, आज तक नहीं समझ पाया मुझे, नितिन का वीडियो दिखा के मुझे चेयर करेगा? देखी तो सही। अरे रहने दे यार। अरे एक अरे ये देखिए कैसे मीडिया के सामने केस सॉल्व करने की डींगे हांक रहे हैं। इसे ना सिर्फ क्रेडिट लेना आता है बस। फिलहाल मैं आपको कुछ दवाइयाँ लिख करके दे देती हूँ जिनसे आपको दर्द में आराम मिल जाएगा। इसका कोई परमानेंट इलाज है डॉक्टर? देखिए अंकल, मैं और डॉक्टरों की तरह आपको झूठ बोल करके आपसे पैसे नहीं ऐंठना चाहती, और क्लिनिकली जो भी हो सकता था मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। मैं आपको फिलहाल दो आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी लिख देती हूँ, आप इनको ले लीजिएगा, इससे कुछ असर हो सकता है आपको। अच्छा अच्छा जी, नमस्कार। कमाल है, एलोपैथी डॉक्टर और आरोग्य गूंज आ रही है।
इतना लेट लगा दिया। जूते खोलती हूँ तेरे, बैठ जा। अरे ये जूते उल्टे कैसे पहन लिए तूने? कौन है कौन है? तू इसे भी नहीं पहचानता? इसका फोटो मेरे फोन पे। ये वही है जिसकी वजह से तेरी आज ये हालत है। इसकी वजह से तूने अपना सब कुछ खो दिया। ऐसा क्या किया था इसने मेरे साथ? बहुत कुछ। देखना क्या हालत बना दी इसने तेरी, जिंदगी खराब कर दी तेरी बहन इसने। तू रो मत। नहीं रोऊंगी, लेकिन तुझे बदला लेना होगा मोहन। मोहन लेगा बदला? हाँ लेगा ना। लूंगा मैं बदला लूंगा। तू जो बोलेगी मैं वो करूंगा। मैं हाँ करूंगा। हेलो। हाँ मैं बस निकल ही रही हूँ। ओए ऐसे कहाँ जा रहा है? इससे पहले कि कोई देख ले ये कपड़े बदल ले। पूरा खून में लथपथ हो गया है तू। बैठ गाड़ी में, बदल फटाफट। ये ले इसे रख ले। क्या 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 है इसमें? अच्छे काम की जब सौगात मिला करे तो ज्यादा सवाल नहीं पूछा करते, बिना पूछे रख लेते हैं। हाँ जी काम हो गया आपका, उसे पैसे भी मिल गए हैं और आपका पार्सल भी निकल गया है। अब आप बेखौफ रहिए, कोई नहीं पहुंच सकता आप तक। सबूत तो ऐसे मिटा दूंगा कि यमुना की गहराइयों में गोता भी लगाएंगे ना तो भी नहीं मिल पाएगा। चिंता मत करिए, काम हो चुका है। यस काम। आज सुबह एक लड़की की लाश बरामद हुई है महावीर एंक्लेव एरिया से। CDO इज टेकिंग ओवर द केस। किसकी लाश है? डॉक्टर समृद्धि मौर्य। कल रात को क्लिनिक से घर जाने के लिए निकली लेकिन अनफॉर्चुनेटली घर नहीं पहुंची। क्लिनिक और घर के बीच में ये एरिया पड़ता है महावीर एंक्लेव एरिया, जहां आज सुबह इनकी लाश बरामद हुई है। पोस्टमार्टम? अभी नहीं, लोकल पुलिस ने बॉडी भेजी है। कुछ ही घंटों में प्रिलिमिनरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी। यस सर। विक्टिम की फैमिली कहाँ है? द्वारका नगर में। ओके गुड लक। आखिरी बार आपकी समृद्धि से कब बात हुई थी? रात को क्लिनिक से निकलते वक्त उससे बात हुई थी, उसके बाद से उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। ये क्लिनिक से कैसे आ रही थी? रोज कैब से आती थी। समृद्धि के कॉल रिकॉर्ड्स और कैब की डिटेल्स निकलवाता हूँ। ये समृद्धि जिस क्लिनिक में काम करती थी वो उसी का था जी? गरीबों का मुफ्त में इलाज करती थी मेरी बेटी, इसलिए उसका क्लिनिक हमेशा घाटे में जाता था। और इस क्लिनिक में उसके साथ और कौन कौन काम करता था? क्या नाम था उस कंपाउंडर का? वो शुक्ला सर। हाँ। ये शुक्ला का नंबर दीजिए। ये समृद्धि का इसके पहले किसी से कोई झगड़ा या लड़ाई हुई थी? वो तो भाभी ने आप लोगों को धक्के मार के घर से बाहर कर दिया, इसलिए आप लोग मेरे पास चले आए अपना प्यार का नाटक करने।
समृद्धि का किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था साहब, हम लोग बहुत सीधे साधे लोग हैं, पता नहीं किसने हमारी बच्ची को। जैसे ही हमें कोई जानकारी मिलती है हम आपको बताते हैं। ओके चलो। समृद्धि क्या बात है बेटा? बैठो जरा, तुमसे बात करनी है मुझे। बेटा रवि पर जो तुमने केस किया है उसको वापस ले लो। पर क्यों? अरे मेहरबानी करके ये जिद छोड़ दो, इसी जिद के कारण हम सब भुगत रहे हैं। तो किसने बोला था आप लोगों को मेरे लिए भुगतने को? किसने बोला था? तो भूल गई तेरे पापा को सिर्फ तेरी वजह से अर्ली रिटायरमेंट लेना पड़ा, और वो आज भी फाइल लेके ना हर डिपार्टमेंट में धक्के खा रहे हैं अपने पीएफ और पेंशन के लिए। अरे रवि पर तो जो तुमने केस किया है ना उसकी वजह से उसका बाप परेशान कर रहा हम लोगों को। अगर तुम रवि से माफी मांग लेती हो तो उसका बाप मेरी पेंशन रिलीज कर देगा। ये सब कुछ मेरे लिए नहीं था ना, ये सब आपके पीएफ और पेंशन के लिए था। खैर मैं केस तो नहीं बंद करूंगी, और मैंने अपनी एक लॉयर फ्रेंड से बात कर लिया जो कि मेरे साथ साथ आपका भी केस हैंडल कर लेगी। वैसे भी उन बेवकूफ बाप बेटों से तो मैं माफी बिल्कुल भी नहीं मांगूंगी। अरे मैं तेरे से कह रहा हूं ना, माफी मांग ले उनसे। अरे अपने पापा के बारे में जरा तो सोच। आप लोगों ने सोचा है कभी मेरे बारे में? क्योंकि आप लोग तो हमेशा भैया के गुण गाते रहते थे। वो तो भाभी ने आप लोगों को धक्के मार के घर से बाहर कर दिया, इसलिए आप लोग मेरे पास चले आए अपना प्यार का नाटक कर। अगर ये गुस्सा आप लोगों ने भैया पर दिखाया होता ना तो आज ये दिन नहीं आता, और मैं मर भी जाऊंगी ना तो भी ये केस वापस नहीं लूंगी। समृद्धि तुम अब मुझे समझ आया कि मेरे पीठ पीछे मेरे घर वालों को कौन भड़का रहा है? एक बार मेरी बात तो सुन लो। मुझे कुछ नहीं सुनना, और प्लीज मुझे चैन से जीने दो, क्योंकि जब जब तुम यहाँ आते हो ना मेरे पापा से मेरा झगड़ा होता है। देखो समृद्धि मैं बस इतना कहना हूँ, पहले का सब बुलाकर मुझे माफ कर दो बस। तुम मुझे माफ कर दो, और प्लीज भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, समझे? समृद्धि समृद्धि अगर मेरी बात तो सुन लो। बेटा समृद्धि बेटा बेटा मैं तुमसे माफी मांगता हूँ इसके लिए, है इसे माफ कर दो। है सर सर ये देखिए ब्लड मार्क। अरे रस्तोगी जी ठीक से देखिए, किसी ने पान खाकर थूका है। ये क्या घटिया काम किया लोकल पुलिस ने, पूरा क्राइम सीन मच्छी बाजार बना के रखा है। ऊपर से गार्बेज एरिया, क्या एविडेंस है क्या कचरा, कुछ मालूम नहीं चलेगा। पता अभी समझ में आ रहा है कि ये सीडीओ के पास क्यों आया केस। ये जब लोकल पुलिस को लगता है कि इनसे नहीं हो पाएगा तो हमें याद कर लेते हैं। सर डॉक्टर समृद्धि के क्लिनिक में जो बंदा काम करता है ना कंपाउंडर शुक्ला, वो शादी से वापस आ गया। सर रोज तो मैं ही क्लिनिक बंद करके 9:30 बजे जाता हूँ, और कल मुझे शादी में जाना था तो मैं 8 बजे ही चला गया। जिस दिन डॉक्टर समृद्धि का मर्डर हुआ उसी दिन तुमको शादी में जाना था? सर मैं सच बोल रहा हूँ, आप चाहे तो मैं शादी का कार्ड दिखा सकता हूँ। सर चुप रहो, डिसाइड कर लेंगे। अच्छा एक बात बताओ, तुम 8 बजे तक क्लिनिक में थे जिस उस समय क्लिनिक में कोई पेशेंट था? सर जिस पेशेंट की लास्ट अपॉइंटमेंट थी वो मेरे सामने दवा लेकर गया था, अब उसके बाद कोई आया हो तो पता नहीं। और ये डॉक्टर समृद्धि रोज कैब से जाती थी, तो कोई कैब की कंपनी का नाम पता है? कभी ध्यान नहीं दिया। कुछ भी अगर देखा सुना हो जो तुम्हें अजीब लगा हो? हाँ साहब, 4-5 दिन से एक गाड़ी ना क्लिनिक के बाहर शाम से लेकर रात तक खड़ी रहती थी, सफेद रंग की गाड़ी थी। गाड़ी का नंबर याद है? गाड़ी का नंबर तो मैंने नहीं देखा, पर हाँ उस पर एक स्टिकर लगा हुआ था वो मैंने देखा, कुछ फनी टाइप का लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था उस पर? लिखा था साहब, भारत के पुत्रों खुले में मत मुतरो, ये स्वच्छता अभियान वाला स्टिकर था। लड़की की लाश भले ही सुबह 7 मार्च को मिली थी, पर इसकी मौत 7-8 घंटे पहले तकरीबन 9-10 बजे हुई थी। इसकी जैगुलर वेन पे किसी ने मेडिकल प्रिसिजन से वार किया,
मतलब जिसने भी ये किया है वो पहले मेडिकल बैकग्राउंड में था। हाँ कमलेश। सर वो समृद्धि का रेगुलर कैब ड्राइवर मिल गया है। हाँ आता हूँ ओके। और सारथी जी ये बताओ कि मैडम को पिकअप करके कहाँ छोड़ा? सर जब मैंने मैडम को पिकअप किया ही नहीं है तो छोड़ूंगा कैसे? तो तुम उन्हें लेने गए नहीं थे? सर गया था मैं। दरअसल हुआ यूँ कि 8:45 पर मुझे बुकिंग का नोटिफिकेशन आया था। 9:10 पर जब तक मैं वहाँ पर पहुँचा तब तक वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैंने मैडम का फ़ोन भी ट्राई किया लेकिन उन्होंने उठाया नहीं। कुछ देर मैंने इंतज़ार किया, 9:20 पर मैंने राइड कैंसिल की और फिर अपने घर चला गया था। तुमने मैडम के क्लिनिक के आसपास कोई गाड़ी खड़ी देखी थी? जी सर देखी थी। कौन सी? काले रंग की? नहीं सर वो सफ़ेद कलर की थी। अच्छा उसमें कोई स्टिकर दिखा तुम? स्टिकर हाँ था तो सही सर। अच्छा क्या लिखा था उसमें ऐसा? कुछ तो लिखा था सर लेकिन ये नहीं मालूम कि क्या लिखा था, मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ठीक है आप जा सकते हैं। रस्तों की चलो। कमलेश अपने लोगों को वहां भेजो और पता लगाओ कि एक्चुअली में कोई गाड़ी थी भी कि नहीं। ये समृद्धि के फिक्स्ड डिपॉजिट के पेपर नहीं मिले, ये किसे घंटी पे घंटी बजाए जा रहे हो? तुम्हारे दामाद को मिला रहा हूँ मैं। क्यों उसका फोन भी ऑफ आ रहा है? समृद्धि ठीक कहती थी, इन बाप बेटों पे ना हमें भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। यार तुम बैठो मैं बीपी की गोली लाती हूँ, कहीं फट मत जाना आगो बुला होके। सर वो समृद्धि के क्लिनिक के आसपास रहने वाले कई लोगों ने उस सफ़ेद कार को क्लिनिक के सामने देखा है। इसका मतलब सफ़ेद कार सच में? और सर वो जो स्टिकर जिस पर लिखा था कि देश के पुत्रों या न मुत्रो, वो नजफगढ़ में लोकेट हुआ है। सर मेरा नाम विनम्र चौधरी, मैं यहाँ कैब मैनेजर हूँ। ये भारत के पुत्रों खुले में न मुत्रो स्टिकर वाली सफ़ेद कार आपकी है? जी सर मेरी सारी गाड़ियों पर यही स्टिकर है। वारदात की रात आप और आपकी कार कहाँ थे? मैं घर पर ही था सर, टीवी देख रहा था, गाड़ी भी पार्किंग में पार्क थी। तुम्हारा ड्राइवर तो बोल रहा था कि गाड़ी वहाँ नहीं थी। अच्छा हाँ सर याद आया, सही कहा उसने, दरअसल गाड़ी उस दिन कहीं और पार्क थी। किधर पार्क थी? अब उतना तो याद नहीं सर, दरअसल इतनी गाड़ियाँ हैं, कौन सी गाड़ी कब कहाँ पार्क कर दी मैं कौन याद रखता है सर। चलो तुम्हारी पार्किंग अब जेल में कर दी। सर मैंने मैंने कुछ नहीं किया सर, सर सर प्लीज। हाँ सर ये ड्राइवर वाला ब्लफ सही था, डिडक्शन बोलते हैं सर। बता कहाँ था उस रात को? सर गर्लफ्रेंड के साथ। किसकी? मेरी सर, गर्लफ्रेंड के साथ था इसलिए मैंने आप लोगों को झूठ बोला था। कमलेश एक काम कर उसको वहां पे टांग दे, तब इसका दिमाग ठिकाने आएगा। अरे रुक क्यों गया तू? शुरू रख। मार 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 बस 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 बस। अरे जान थोड़ी लेनी है। आप ही ने तो बोला सर। अरे गेम में बोल रहा था तुम्हार। अरे कितना मार खाएगा बोल दे। ओ हैंगिंग गार्डन। 6 मार्च की रात को किधर था? बोल। हैं? दरिया। क्या? दरिया। दरिया में क्या डुबकी लगा रहा था? दरियागंज। दरियागंज में किधर? मीना, मीना के पास। ये मीना कौन है? हाँ? मेरी गर्लफ्रेंड है। रोज रोज अलग अलग राव अलाप रहा है, कभी बोल रहा घर पर था कभी गर्लफ्रेंड के साथ था, क्या करे सर इसका? रॉकेट लॉन्चर से उड़ा दे। क्या? अरे गेम में बोल रहा था तो शुरू रख। ये आदमी आपके लॉकअप में बंद है? आपसे मतलब?
मतलब है साहब, मैं मीडिया से जितनी एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन आप मुझे देंगे ना, उतना एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड आपको मिलेगा। अच्छा, कितना एक्सक्लूसिव? ओ मैडम ये रखिए, जेल के अंदर डाल दूंगा, वो भी एक्सक्लूसिव, समझे? ये बिमला। अच्छा अच्छा, ये मेरा कार्ड है, अगर आपका मन बदल जाए ना तो मुझे कॉल कर लीजिएगा, और भी मिलेंगे। अरे मैडम रुकिए रुकिए, अरे मैडम आप भी एकदम नाराज हो जाते हैं। कितना एक्सक्लूसिव मिलेगा? सर खबर मिली है कि समृद्धि के पेरेंट्स शहर छोड़ के जा रहे हैं। आवे टैक्सी। किधर जा रहे हो भाई? अब जब हमारी समृद्धि ही नहीं रही तो हम यहाँ रहकर क्या करेंगे? हम वापस अपने शहर लखनऊ जा रहे हैं। चले जाना लखनऊ, लेकिन उसके पहले समृद्धि के बारे में तो कुछ बता दीजिए। चलिए अभी बैठ के बात करते हैं। सर एक्चुअली ट्रेन लेट हो रही है हमारी, वो ट्रेन का टाइम हो रहा है सर। वो हम यूपी के रहने वाले हैं और समृद्धि की पढ़ाई लखनऊ से हुई थी, उसके बाद उसकी जॉब लग गई चंडीगढ़ में। उसने जब जॉब छोड़ी वहाँ से तो हम लोग यहाँ दिल्ली आ गए और यहाँ उसने अपना क्लिनिक खोल लिया था। तो ये तो होगी प्रोफेशनल लाइफ, अब पर्सनल लाइफ के बारे में, कोई बॉयफ्रेंड? अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन हाँ सर 6 साल पहले जब वो स्टूडेंट थी तो रवि जायसवाल नाम के लड़के से उसका अफेयर हुआ था, और सर हम तो उसके खिलाफ थे, लेकिन पिछले साल उन्होंने शादी भी कर ली और इस साल अलग ही हो गई। तो ये सब बताने के लिए आप मुहूर्त ढूंढ रहे थे क्या? हाँ दरअसल इनके पिछले हार्ट अटैक के बाद से ये बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं, और उस दिन मैं भी कुछ बताने की हालत में नहीं थी। कमाल के माँ बाप ये लोग, पता है आप लोग पहले ऐसे माँ बाप हो जिसे अपनी बेटी के कातिल को ढूंढने की कोई जल्दबाजी नहीं है। हाँ कोई चिंता ही नहीं है आप लोगों को? सर सर काम डाउन प्लीज, देखिए आप लोग हमें रवि और अपनी बेटी के बारे में कुछ बताइए कि दोनों के बीच में ऐसा क्या हो गया कि साल भर में अलग हो गए, प्लीज। कहाँ थे तुम? मैं तुम्हें कब से फोन कर रही थी, तुम ड्रिंक करके आए हो? क्या हो गया उसमें? दोस्त लोग मिले थे काफी टाइम बाद तो पी ली। तो ये बात तुम मुझे फोन करके भी बता सकते थे ना? हर चीज तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, पर टिपिकल इंडियन वाइफ की तरह मेरा आगे बिहेव मत किया करो, जा जाके अपना काम करो। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ करके आई हूं और मुझे इतना भी हक नहीं कि मैं तुमसे कुछ पूछ सकूं? तुम रात रात भर पार्टीज करते रहते हो, मैं कुछ नहीं बोलती। तुम लड़कियों के साथ घूमते रहते हो, मैं कुछ नहीं बोलती। पर अब बस बहुत हो गया है। ये किससे बात कर रहे हो तुम? समृद्धि फोन दो मेरा। ये वही लड़की है ना? मैं अभी इससे बात करूंगी। मुझे उस दिन के बाद समृद्धि घर छोड़कर चली गई थी तेरे थप्पड़ की वजह से। अब नहीं सर ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो समृद्धि को इनफेक्ट वापस लाना चाहता था। मैंने उससे बात करने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन उसने डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर दिया था मुझ पर। तुम्हें केस वापस ले रही हो नहीं ले रही हो? नहीं ले रही हूं। क्या चाहती क्या हो तुम? देखो मैं ये रोज रोज की किचकिच से ना परेशान हो गया। तुम आराम से मेरी बात सुनो, तुम्हें केस वापस लो, एक नई शुरुआत करते हैं, और अगर नहीं लेना तो डिवोर्स ले, बात खत्म करो बस। मेरे पास एक तीसरा ऑप्शन भी है, तुम्हें तुम्हारे की सजा दिलवाना। तुम्हें पता है तुमने जो मेरे साथ किया उसे लीगल लैंग्वेज में फिजिकल असॉल्ट बोलते हैं? एक थप्पड़ी तो था और क्या था? हाँ एक थप्पड़ी था, पर तुम्हारे उस एक थप्पड़ की वजह से मेरे साथ साथ मेरी पूरी फैमिली सफर कर रही है। तुम्हें पता है तुम्हारे फादर ने मेरे फादर पर अर्ली रिटायरमेंट का प्रेशर डाला और उसके बाद उनका पीएफ और पेंशन भी रुकवा दिया। इन सब के लिए मैं नहीं, तुम जिम्मेदार हो। तुम्हें केस वापस लो, बात खत्म, बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। कितने घटिया आदमी हो तुम। अच्छा ये बता, तेरी फैमिली समृद्धि की फैमिली को प्रेशराइज कर रही थी कोर्ट केस सेटल करने के लिए, राइट? अब एक्चुअली इन सब बातों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं तो ज्यादातर दुबई में रहता हूँ और मुझे कुछ भी नहीं पता है। और 6 मार्च की रात को क्या कर रहा था? घर पे था, टीवी देख रहा था। कमाल है कमलेश, उस रात सब लोग टीवी देख रहे थे, क्यों? केबीसी चल रहा था ना सर। हाँ सही बात। अब सर आप एक काम कीजिए ना, आप समृद्धि के पापा से पूछ लीजिए, उस रात मैं उनसे फोन पे बात कर रहा था। अरे तू तो अभी बोल रहा था कि टीवी देख रहा था फिर। हाँ मेरा मतलब है टीवी ही देख रहा था, तब सैम के पापा का फोन आया था समृद्धि का पूछने के लिए कि वो मेरे साथ है या नहीं। तो दुबई में रहता है ना? जी बेटा, बिना बताया अगर उड़ा ना
तो जिस भी देश में हो पहले तो वहां पे आके डंडा घुसेड़ूंगा और फिर तेरा झंडा बना दूंगा, समझ रहे? हाँ, एक काम करो, अर्जेंट ही मेरी एक टिकट बुक करो दुबई के लिए। अरे आज की ताजा खबर, दिल्ली पुलिस के सीडीओ ने एक आदमी को गिरफ्तार किया है बिना सबूत के। सबूत है, मुझे एक पक्की लीड मिली है। कैसी लीड? मेरे इन्फॉर्मर ने बताया कि उसे सेम कार क्राइम लोकेशन पर दिखी है और उसे ऐसा ही मिलता जुलता आदमी भी दिखा है जिसे अभी हमने कस्टडी में लिया। कितना मिलता जुलता राजीव? 80% वेरिफिकेशन है, 20% वो खुद कंफर्म करेगा। 80% वेरिफिकेशन इज नॉट इनफ, यू नो दैट। अगर इंक्वायरी बैठ गई तो हम सब फंसे। नहीं फंसेंगे सर। अजीब एक वाक्या सुनाता हूँ तुम्हें। एक आदमी समुंदर में डूब रहा था, उसने भगवान को पुकारना शुरू कर दिया मदद के लिए। इतने में छोटी सी नाव वहाँ आई, उसने नाव में बैठने से इनकार कर दिया। उसने बोला कि मेरे भगवान आके मुझे बचाएंगे। उसके बाद एक बड़ी शिप वहाँ आती है, उसने उस शिप में बैठने से ही मना कर दिया, बोला कि मेरे भगवान आके मुझे बचाएंगे। उसके बाद एक हेलीकॉप्टर वहाँ आता है, उसने हेलीकॉप्टर को भी टाटा कर दिया, बोला कि मेरे भगवान आके मुझे बचाएंगे। बट ऑफ कोर्स वो डूब गया और मर गया। स्वर्ग में पहुंच के भगवान से उसने पहला प्रश्न यही किया कि भगवान, मेरे आखिरी समय में मैंने आपसे मदद की, इतनी गुहार लगाई, फिर भी आपने मुझे बचाया क्यों नहीं? तो भगवान ने बोला, बेटा वो छोटी नाव, बड़ी शिप, हेलीकॉप्टर तेरे चचा ने भेजा था, मैंने ही भेजा था वो। आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं कहना ये चाह रहा हूँ राजीव कि तुम भी डूबने के कगार पे हो, मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। ना ही मैं डूबने वाला हूँ, ना ही किसी को मुझे बचाने की कोशिश करनी पड़ेगी। राजीव प्लीज डू मी अ फेवर, तुम कुछ मत करो, तुम सिर्फ तैरते रहो, आई विल हैंडल इट। तुम्हारे नाम का शो कॉज नोटिस जारी हुआ है डिपार्टमेंट में, कोई है जिसे तुम्हारे काम करने का तरीका पसंद नहीं है? ओ, तो आपके अलावा और भी है? तुम सिर्फ इंक्वायरी का जवाब देने की तैयारी करो, शिप में भिजवा दूंगा। राजीव, बाय द वे राजीव, यू आर वेरी लकी कि तुम्हें मेरे जैसा सीनियर मिला जो हमेशा तुम्हें डूबते से बचाता रहता है, डोंट यू थिंक सो? धन्यवाद प्रभु। सर, विनम्र की बॉडी पर तो चोट के निशान है, उसको इस हालत में छोड़ा तो सीधा मीडिया के पास जाएगा। नहीं छोड़ा तो हमारी लगेगी। क्या करें सर? सोचता हूँ, पहले तो मेरे सिर से वो शो कॉज नोटिस की तलवार तो हटने दें। सर क्या हो गया रस्ते में? ये दिन में तारे क्यों दिख रहे हैं? सर हमसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। हाँ सुलोचना, बिजी हो? हाँ बोलो ना, काम पे हूँ, बताओ क्या काम है, बताओ। अरे वो सिद्धार्थ अपने किसी दोस्त की गाड़ी लेकर आया है, लेकिन उसमें डेंट पड़ गया तो वो रिपेयर करवाना है। किसी गैराज वाले का नंबर है क्या तुम्हारे पास? हाँ हाँ, वो गैराज वाले का नंबर मैं घर आकर देता हूँ। ये क्राइम में जो कार यूज हुई है उसे छुपाने का सबसे आसान तरीका क्या है? उसका कलर चेंज करना, उसकी पेंटिंग करवाना। कमलेश, यहाँ पे आसपास जितने गैराज हैं जहाँ पे डेंटिंग पेंटिंग होती है, वहाँ पता करो कि हाल ही में कोई सफेद कार आई है क्या जो हम ढूंढ रहे हैं। राइट। सर, वो दुबे का फोन आया था, वो सफेद गली लाजपत नगर में किसी मंजीत की गैरेज में खड़ी है। किसने गाड़ी दी थी? सर करीब 7-8 दिन पहले ना एक अजीब सा आदमी आया था, उसने गाड़ी का कलर और सीट कवर सब चेंज करने को कहा। अजीब सा आदमी मतलब? मतलब वो कुछ बड़बड़ा रहा था सर और बस जल्दी में निकल गया। मैंने उसको 40,000 का खर्चा बताया और उसने मुझे 5,000 रुपए दिए।
मैंने उसका 5,000 में काम नहीं हो सकता, कम से कम आधी पेमेंट तो एडवांस दो। तो सर बोला कि कल आएगा और गाड़ी ले जाएगा। मैंने भी सोचा जब आकर पैसे देगा तो काम शुरू करेंगे, लेकिन सर वो तो लौटा ही नहीं। कोई फोन नंबर वगैरह लिया उसका? सर नंबर तो लिया था, लेकिन जब मैंने वो ट्राई किया ना तो वो 9 ही अंक है सर। क्या मतलब 9? अरे मोबाइल नंबर 10 अंक का होता है। हाँ साहब जानता हूँ, लेकिन उसने यही नंबर 2 बार बोला और मैंने भी हड़बड़ी में वो चेक नहीं किया। जनाब कार में मिला ब्लड सैंपल समृद्धि के खून से मैच करता है, और हाँ समृद्धि के स्किन के छोटे छोटे पार्टिकल्स भी मिले। तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन यही है कि खून कार में हुआ या फिर मार कर उसे उसी कार में ले जाया गया। थैंक यू जावेद। कमलेश जी, ये गाड़ी के ओनर का पता चला? सर वो रजिस्ट्रेशन नंबर चेक करने पर पता चला है कि वो गाड़ी पिछले महीने मेरठ से चोरी हुई थी। तो ये गाड़ी चोरी करने वाले गिरोह के पीछे अपने इन्फॉर्मर्स लगा दो। ठीक है। और ये 9 डिजिट का नंबर जो उस आदमी ने गैराज ओनर को दिया था वो भी ले लो। सर आधे अधूरे नंबर का हम क्या करेंगे? कमलेश लोग सेम वही नंबर 2 बार बोल पाते हैं जो उन्हें अच्छे से याद होता है, और इसने भी 9 डिजिट का नंबर 2 बार बताया था। अरे पर सर अब 0 से लेकर 9 तक एक एक नंबर लगा के चेक करेंगे क्या? अरे वाह, तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। ठीक से देखिए इन 10 लोगों को, क्या इनमें से कोई है जो उस दिन गाड़ी रिपेयर करवाना आया था? ये क्या? नहीं सर, इनमें से तो कोई नहीं है। ठीक है आप जाओ। थैंक यू सर। काम हो गया। सर उस कार ड्राइवर ने जो अधूरा नंबर दिया था जिसमें हमने 1 से 10 नंबर जोड़कर नए 10 नंबर निकाले थे, इन्हीं सब के तो नंबर्स थे वो, इसका मतलब उसने किसी और का नंबर बताया था। हो सकता है उसने जानबूझकर अपना नहीं किसी और का नंबर दिया हो जिसे वो फंसाना चाहता हो। शायद ऐसा कोई इंसान जो समृद्धि को जानता हो। ये आपको कुछ बताना चाहता है। सर मैंने उस दिन आपको पूरा सच नहीं बताया था, मैं बहुत घबरा गया था सर। ठीक है आराम से बताओ। सर उस रात जब मैं मैडम को पिकअप करने के लिए गया था ना तो उनका क्लिनिक बंद था, और जब मैं क्लिनिक से घर की तरफ निकला तो मैंने रास्ते में देखा कि तो आज अचानक से इधर परिवर्तन कैसे हुआ? कुछ दिन पहले मैंने उस आदमी को दोबारा देखा है। अरे साहब मैं पुलिस को बताऊं या नहीं सोचकर उस दिन से सो नहीं पा रहा हूं। सर वो खुला घूम रहा है तो इसलिए मैंने सोचा किसी और की जान को खतरा हो सकता है, तो मैं आप लोगों को बताने आ गया सर। कहां दिखा वो आदमी? सर जगतपुरी क्रॉसिंग पे। फिर से देखेगा तो पहचानेगा? अंधेरे में पहचान लूंगा सर। प्रस्तुति इसे जगतपुरी ले जाओ और वहाँ पूरे एरिया में ढूंढो, ये जो आदमी बता रहे कहीं ना कहीं तो दिखता होगा। रुकिए गाड़ी रुकिए पूरा ये रुक गाड़ी रुक ए इधर ये रहा ये वो गाड़ी वाला रुक आधा रुक चल देख मैडम। नाना है मुझे जाना है। समृद्धि को कैसे जानते हो? जाना जाना है। किधर जाना है? मुझे जाना।
अरे ओ मैडम देखो रुको आप अंदर नहीं जा सकते। यस्तोगी क्या हो रहा है, कौन है आप? सर आई एम अ रिपोर्टर। यस टेल मी। सर पहले आप लोगों के आदमी बेगुनाह को पकड़ के ले आए, उसके बाद आदमी को। दिस इज नॉट फेयर सर। ये आप क्या बोले जा रही हैं? सर मेरे पापा बीमार हैं, 4 साल से कोमा में थे, अभी अभी कोमा से बाहर आए हैं। जिस आदमी को अपने जूते तक ढंग से पहनने नहीं आते वो किसी का मर्डर कैसे करेगा? राजीव तुमने आदमी को चार्ज किया मर्डर के इल्जाम में? चार्ज नहीं किया, अभी पूछताछ चल रही है। अच्छा क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत है, एक आई विटनेस है, एक टैक्सी ड्राइवर है जिसने उस रात मोहन को समृद्धि की लाश को ठिकाने लगाते हुए देखा था, और उस रात उसके साथ एक और आदमी था। तुम बस इस केस को रफा दफा करना चाहते हो ना इस बेचारे आदमी को फंसा कर? मैं कोई रफा दफा नहीं करना चाह रहा हूँ, वो नहीं है, वो सिर्फ नाटक कर रहा है। तो एक काम करते हैं, तुम पहले उस दूसरे आदमी को पकड़ो जिसने इस आदमी का साथ दिया था उस लाश को ठिकाने लगाने में, और फिर ये भी प्रूव करो कि कस्टडी में जो आदमी है वो नहीं है, तब जाके तुम उसे कस्टडी में रख सकते हो। एम आई क्लियर? अभी छोड़ दो उसको। बट सर वो राजीव मीडिया में बात फैली तो बहुत बदनामी होगी हम सबके। लेट हिम गो। डरिए मत, डरिए मत, आप चलिए 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 आप। सा पेपर था सर, सर, अरे सर, क्या हुआ रस्तोगी जी? अरे जिसे हम डूबता हुआ आदमी समझ रहे थे ना वो हमको ही ले डूबेगा। क्या बात कर रहे हैं? अरे सर सुनिए तो सही, वो नितिन सर कह रहे थे ना कि कोई डूबता हुआ आदमी बचाने के लिए पुकार रहा था। अरे क्या पता सर वो डूबी ना रहा हो और डूबने का नाटक कर रहा हो। अरे तुम गोल गोल मत घुमाओ, सीधा छत पे आओ। अरे सर वो बंदा मोहन कोई बहुत बड़ी गेम खेल रहा है हमारे साथ। मोबाइल गेम? अरे नहीं सर, ये देखिए उस दिन जब हमने मोहन को इंट्रोगेट किया ना उसके बाद उस रूम में कोई नहीं गया था, तो ये देखो क्या लिखा है, बैड डॉक्टर। लेकिन मोहन ने ऐसा क्यों लिखा होगा, मतलब इसकी वजह क्या हो सकती है? मोहरा, आपने मोहरा पिक्चर देखी? इसमें नसरुद्दीन शाह अंधे होने का नाटक कर रहा होता है। मतलब तुम कह रहे हो कि अपना मोहन नसरुद्दीन शाह है और वो नाटक कर रहा है? करेक्ट। या फिर उसे कोई मोहरा बनाकर चाल चल रहा है, लेकिन उसकी दिमागी हालत देखकर हम उसे अरेस्ट भी तो नहीं कर सकते। किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाते हैं और परख लेते हैं कि उसकी पुरानी रिपोर्ट सारी झूठी है। भूख लगी है, कुछ खाओगे? नहीं नहीं, किसी भी दी हुई अनजान की चीजें नहीं खाते। अरे वाह, तुम तो बहुत समझदार हो, किसने बताया तुम्हें ये सब? गायत्री ने बताया। गायत्री कौन? गायत्री, गायत्री है। और समृद्धि वो कौन है, तुम जानते हो उसे? हाँ, हाँ। अच्छा वो तो बहुत अच्छी डॉक्टर है, फिर तुमने उसके लिए टेबल पर बैड डॉक्टर क्यों लिखा? अच्छा ये बताओ तुमने समृद्धि को क्यों मारा? झूठ, झूठ, झूठ है। क्या झूठ है, तुमने समृद्धि को नहीं मारा? गायत्री ने मना किया है। गायत्री ने मना किया है। अच्छा अच्छा अच्छा, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, शांत हो जाओ शांत हो जाओ, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। राजीव ये सच में मेंटली अनस्टेबल है, और एक बात तो कंफर्म है कि समहाउ ही इज इन्वॉल्व इन द मर्डर। और इतना ही नहीं, इसके बिहेवियर को देखकर ये पता चल रहा है कि इसे किसी ने मैनिपुलेट किया है। मतलब मेरा शक सही था, गायत्री शायद इसकी केयरटेकर होगी। गायत्री ने मना किया है। आप लोग? गायत्री जी आप तो बहुत अच्छा खेल खेल लेती है,
कौन सा खेल? अरे सब बताएंगे, थोड़ा खेल हम भी तो खेल ले। कहाँ जा रहे हैं? अरे गेट बंद करो बाहर का। छोड़ो मेरा, क्या बदतमीजी है ये? छोड़ो, किस खेल की बात कर रहे हैं आप? एक बेगुनाह आदमी को किसी के मर्डर के लिए उकसाने का खेल। ये सब झूठ है, मैंने किसी को नहीं उकसाया और मैंने न्यूज में सब देखा है कि आप लोग किस हद तक जाते हैं किसी को मुजरिम साबित करने के लिए। विमला जी, इनको दिखाओ अपनी हद। चलो फिर से शुरू कर। तुमने समृद्धि को क्यों मरवाया? मोहन मेरा भाई है सर, 4 साल पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था जिसमें वो कोमा में चला गया। उसी एक्सीडेंट में उसकी वाइफ भी मर गई और पीछे एक बच्ची छोड़ गई। सर मेरे पापा बीमार हैं, 4 साल से कोमा में थे, अभी अभी कोमा से बाहर आए हैं। मोहन को जब होश आया तो उसे कुछ याद नहीं था, उसके इलाज में बहुत खर्चा हो रहा था सर, मैं पाई पाई के लिए मोहताज हो गई थी। उन्हीं दिनों एक आदमी आया जिसने मुझे 10 लाख का ऑफर दिया और मुझे बोला कि मोहन के दिमाग में ये भर दो कि उसकी बीवी की मौत का जिम्मेदार समृद्धि थी। मैंने वैसे ही किया। ये वही है जिसकी वजह से तेरी आज ये हालत है, इसकी वजह से तूने अपना सब कुछ खो दिया, जिंदगी खराब कर दी तेरी मोहन इसने। तू रो मत, तू रो मत। मोहन लेगा बदला? हाँ। और उसके चलते मोहन ने उस रात समृद्धि को मार डाला। और कौन था वो आदमी जिसने 10 लाख रुपए ऑफर किए थे? मैं नहीं जानती सर, लेकिन वो दिल्ली का ही था और हमारे बारे में सब जानता था। उसने मुझे बोला कि समृद्धि अच्छी लड़की नहीं है, इसलिए वो उसको मरवाना चाहता है। कौन हो सकता है वो आदमी जो समृद्धि के बारे में सब कुछ जानता हो और उसे मरवाना चाहता हो? उस पुलिस वाले को मालूम नहीं कि उसका जुरिस्डिक्शन सिर्फ दिल्ली तक है, दुबई में मेरा कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता। सर मोहन की मौत की लोकेशन पर उसका फोन मिला, शायद कातिल जल्दबाजी में उसका फोन ले जाना भूल गया। और ये कुछ इंटरेस्टिंग मिला, मोहन को समृद्धि की फोटो गायत्री के फोन से आई है और एक और नंबर है जिससे कॉल आता था। मुझे समृद्धि का बैकग्राउंड चेक करना है क्योंकि गायत्री को जब हमने रवि की फोटो दिखाई उसने कहा कि ये वो आदमी नहीं था जिसने उसे 10 लाख रुपए दिए थे, तो हो ना हो वो कोई ऐसा आदमी है जो अभी तक हमारी रडार में नहीं आया है, शायद वो समृद्धि के अतीत से हो। हम लोग कुछ ना कुछ तो बहुत इंपॉर्टेंट मिस कर रहे हैं। गो अहेड कमलेश। जी सर। मोहन के फोन में जो दूसरा नंबर मिला उसे सर्वेलेंस पर रखो। ठीक है। और रस्तोगी जी, जी मेरे साथ चलो। तो कहाँ सर? लखनऊ। ओह यस, आई नो समृद्धि, वो मेरी क्लासमेट थी। आप उसके कॉलेज डेज के बारे में कुछ बता सकती हैं? I mean, how was she? उसके फ्रेंड्स के बारे में, कोई बॉयफ्रेंड वगैरह? वैसे तो ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं थे उसके, बहुत ही सिंपल सी लड़की थी। लेकिन हाँ, एक इशू हुआ था हमारे पीजी डेज में। एक मरीज आया था अपने इलाज के लिए हमारे हॉस्पिटल में और वो केस समृद्धि लीड कर रही थी। उस मरीज की हालत बहुत ही ज़्यादा नाजुक थी, पर उसकी रिपोर्ट में ये आया था कि वो पहले होम्योपैथी ट्रीटमेंट ले रहा था, लेकिन जो उसका डॉक्टर था वो उसके फास्ट ट्रीटमेंट के लिए उसे कोई जैपनीज दवाइयां दे रहा था, जिसकी वजह से उस पेशेंट की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई। तो समृद्धि ने अथॉरिटी में रिपोर्ट करके उस डॉक्टर के खिलाफ कम्युनिटी में लेटर लिखा। बाद में उस डॉक्टर को सजा हुई थी और उसका लाइसेंस भी कैंसिल हो गया था। ये डॉक्टर का कोई नाम पता या डिटेल्स है आपके पास? हाँ, यू विल गेट इट फ्रॉम होम्योपैथी काउंसिल। सर मैंने उस दिन आपको पूरा सच नहीं बताया था, मैं बहुत घबरा गया था सर। उस रात जब मैं मैडम को पिकअप करने के लिए गया था ना, तो उनका क्लिनिक बंद था और जब मैं क्लिनिक से घर की तरफ निकला तो मैंने रास्ते में देखा कि सर काउंसिल से क्रॉस चेक करने पर किसी निखिल राणा का नाम सामने है। सर एक सेकंड। हाँ कमलेश बोल। सर जिन 10 नंबरों को सर्वेलेंस पर डाला था उनका बैकग्राउंड चेक किया, ये पता चला है कि उनमें से एक नंबर से मोहन को कॉल गया था। हाँ जी, काम हो गया आपका?
और सर वो नंबर चंदू नाम के किसी क्रिमिनल का है। अच्छा तो ठीक है, चंदू को पकड़ो। सर चंदू तो जेल से ही फरार है। और सर समृद्धि का जिस दिन खून हुआ था उस दिन चंदू के खाते में 10 लाख रुपए जमा हुए थे सर, किसी निखिल राणा के नाम से। क्या नाम बोला? निखिल राणा। तो निखिल राणा समृद्धि से बहुत सालों से बदला लेना चाहते थे ना, उसकी वजह से तुम्हारा मेडिकल लाइसेंस छिन गया था और मुझे लगता है उसने तुम्हारा पर्दाफाश किया। क्या खाक पर्दाफाश कराया उसने मेरा? सैम इज अ हिपोक्रेट। शी वाज इन लव विद मी फ्रॉम स्कूल डेज, और जैसे ही उसे पता चला कि उसका MBBS में हुआ है और मैंने BHMS लिया है, वैसे ही उसने मुझसे दूरी बनाना चालू कर दिया। उसके बॉयफ्रेंड के बायो में होम्योपैथी उसके स्टेटस के लिए वर्क नहीं करता। तो इतनी सी बात के लिए तुमने उसे मार दिया? और क्या करता। जैसे ही मुझे पता चला कि उसकी शादी रवि से हुई है, मैंने उसी दिन ठान लिया था कि मैं उस हिपोक्रेट से जरूर बदला लूंगा। और बाय द वे इतनी सी बात, उसने मेरे करियर का मजाक बना के रख दिया था। वो कहती थी कि मैं लोगों को एलोपैथी की दवाइयां देता हूं, और वो क्या करती थी, वो आयुर्वेदिक की देती थी ना। और मोहन उस बेचारे का क्या? He was just a collateral damage. मेरे एक पहचान के डॉक्टर का पेशेंट था, कोमा के बाद जब मैंने उसकी हालत देखी तो मैंने सोचा कि उन्हें उसको मोहरा बनाया जाए। उन्हीं दिनों एक आदमी आया जिसने मुझे 10 लाख का ऑफर दिया और मुझे बोला कि मोहन के दिमाग में ये भर दो कि उसकी बीवी की मौत का जिम्मेदार समृद्धि थी। कैसे गला काटना है ये भी मैंने ही उसे बताया था। मनमीत को तो मैंने चंदू के थ्रू पैसे दिलवाकर मुंह बंद करवाने के लिए बोल दिया था, और उस मोहन मंदबुद्धि का क्या करता, ना तो उसे समझा सकता था ना ही खरीद पाता, तो मरवा दिया। ठीक है, अब जेल में जाके एलोपैथी की पुड़िया बांटते रहना। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.